हेलो फ्रेंड्स, एवेनम फिनांस टारगेट 28 सितंबर से देखिए दोस्तों, ने चार्ट रखा, चार्ट में स्टडी करते हैं। शेयर ने एक हाई बनाया था, ये देखिए 186 का, राइट, 23 सितंबर को। वहां से एक डाउनवर्ड ट्रेंड फॉलो किया है और उसने क्लोजिंग दी है 180 पे, राइट। तो आप देखिए, पहले शेयर लोअर लेवल से ऊपर करके सीधा हाई बनाया था 186 का, काफी नीचे से आके 186 का हाई बनाया था, फिर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई है 2-3 दिन, राइट। तो मेरा मानना है दोस्तों, ऊपर के लेवल से जितना एक प्रॉफिट बुकिंग होनी थी हो चुकी है, यहाँ से एक ब्रेकआउट बाउंस बैक दे सकता है। पहला टारगेट होना चाहिए आपको 185 का, 185 क्रॉस किया तो आपको जो है ये 189 तक का लेवल दिखा सकता है, और ये लेवल को आप सपोर्ट मान के चलेगा 179। 179 अगर ब्रेक किया तो इसमें और वीकनेस बढ़ सकती है, तो ये लेवल से आप ध्यान रखिएगा। दूसरा शेयर है मलप्पुरम फाइनेंस, ये देखिए दोस्तों, मलप्पुरम फाइनेंस टारगेट 28 सितंबर, तो सेम चीज है। इसे देखिए, मलप्पुरम फाइनेंस ने 24 सितंबर को एक हाई बनाया था 176 का, वहां से थोड़ा सा कूल डाउन होकर 173 पे क्लोज हुआ है। तो दोस्तों ये देखिए, थोड़ा सा रेंज बाउंड्री ट्रेड कर रहा है, और यहाँ पे अगर एक बाउंस बैक मिला आज की डेट में, तो पहला टारगेट होना चाहिए आपका 176, राइट। 176 अगर सस्टेन कर गया तो आपको ये 180 तक का लेवल दिखा सकता है, तो ये लेवल सब ध्यान रखें।